हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमारे सेटअप में दो शार्क फिश आए हुए हैं, जो कि हमारे कॉलोनी में के जो अंकल हैं उन्होंने हमें हमारे सेटअप के लिए दो शार्क फिश दिए हैं। और उनको एक्सचेंज में थोड़े छोटे साइज के फिश चाहिए, क्योंकि भाई उनका जो टैंक है ना थोड़ा छोटा साइज का है। इसकी वजह से अंकल ने बोला कि भाई आप ना आप दो बड़े शार्क रख लो और आपके सेटअप में भी अच्छे दिखेंगे, ठीक है। और आपको कौन सी फिश देना है वो दे दे, ठीक है। तो अभी मिलता हूँ भाई अंकल को, मैं फिश देता हूँ फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो हमने अंकल को ये वाले फिश दिए, दो शार्क और दो गुरामी फिश, ठीक है। और चार अंकल को मैं बाद में देने वाला हूँ, जो कि एक्सचेंज में मैंने बोला कि भाई छः आठ फिश देने वाला हूँ अंकल को। बाकी चार फिश हम बाद में देंगे, जब हम न्यू फिश वगैरह आएंगे तब हम उनको दे देंगे। अभी के लिए हम इतने चार दे रहे हैं और अभी दो ये शार्क है वे हमें अभी यहाँ पे छोड़ने हैं। तो भाई चलो पकड़ते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास चार शार्क हो गए, जो कि एक ब्लाइंड आँख वाला है हमारे पास व्हाइट वाला, और अभी ये तीन ब्लैक कलर के हो गए। और हमारे मॉन्स्टर टैंक में हमें एक बड़ा ऑस्कर ऐड करना है, जो कि पूरा सेटअप करके करेंगे। बाकी हमारे यहाँ से जितने भी फिश है सब रिमूव करने हैं हमें, यहाँ पे सिर्फ हमारे शार्क रहेंगे और एक ऑस्कर फिश रहेगा हमारे, जो कि बॉब, ठीक है। अभी मिलता हूँ भाई मैं आपको बाद में। हे गाइस वेलकम बैक द डेजी फिश में, आप सभी का फिर से वेलकम। और दोस्तों आज हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है भाई। इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमारे केज को आज हमें कलर करना है भाई, ठीक है। कलर मतलब हमारे केज के अंदर के जो पिजन के जो डरबे भाई उनको भी हमें कलर करना है। और हमारे सारे पिजन यहाँ से उठा कर हमें यहाँ पे निकाल रखने हैं। और इनमें अभी हमारे एक दो एक मिनट यार मैं इसे ही दिखा देता हूँ, एक दो तीन चार पाँच ट्वेल्व ये है डरबे। तो हमारे सिर्फ यहाँ पे 12 पेयर रहेंगे, ठीक है। बाकी के हमारे जितने भी ऊपर के पिजन रहेंगे हम सब दे देंगे मेरे दोस्तों वगैरह कहीं पे शिफ्ट कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 12 पेयर के लिए जगह है। और ये जो बाकी का ही जो है ना भाई ये सब निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रखने हैं कॉकटेल और बजीज वगैरह, और हमारे जो ऊपर डव्स है डव्स वगैरह हमारे को हमें यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारी मुर्गियाँ रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें कलर करना है भाई, तो चलो मिलते हैं भाई। पहले कलर लेके आता हूँ मैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी कलर लेके भी आ गया, और भाई बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज के कलर लाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों ने अलग अलग वैरायटीज के कलर सजेशन किए थे, भाई आप येल्लो कलर दो, आप ब्लैक कलर दो, व्हाइट कलर दो, ये दो ये दो, भाई हम सब कलर वहाँ पे लगाने वाले, ठीक है। मतलब रेनबो कलर होता है ना, रेनबो कलर का हमें केज करना है, ठीक है। तो हाँ यार आज हमारे सेटअप में आपको पता है यार बड़ी बड़ी शार्क आई है, ठीक है, कितनी क्यूट लग रही है यार। और यहाँ पे दोस्तों हमें एक मॉन्स्टर टैंक भी बनाना है, ठीक है। मॉन्स्टर टैंक के लिए भाई हमारी चार शार्क परफेक्ट है, और हमारा जो बॉब है जो कि मैंने यहाँ से उठाकर ऊपर शिफ्ट किया है, ऊपर शिफ्ट करने की आपको वो भी वजह बता दूंगा। बट पहले यार इनका सबका खाना तो हो गया ना, सबका खाना तो हो गया यार, तो अभी इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर के विशेष का भी हो गया, आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है हमारे किच को कलर। तो भाई अभी लटकते हैं और जल्दी जल्दी हमारे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम है ना हमारे ब्राउनी लिली और ईगल के केज से शुरू करेंगे, मतलब हमारे जो मुर्गी है मुर्गियों को पूरा केज को कलर करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम वो करेंगे। तो चलो भाई करते हैं इस काम स्टार्ट। चलो अभी सबसे बड़ी हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मतलब हमें हमारी जो मुर्गियाँ है उसे उनको पकड़ कर हमें केज में रखना है। मतलब उनको तो मैं यहाँ पे रख दूंगा हमारे स्नो और ब्लैकी के साथ, और हमारी स्नोई कहाँ गई, स्नोई घूम रही यार इधर उधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ब्लैकी और स्नो है, स्नो के साथ हम हमारी तीनों मुर्गियों को यहाँ पे रख देंगे, सॉरी तीनों नहीं दोनों मुर्गियों को। हमारी लिली तो यार अंडों पे बैठी, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको उसको हम वहीं पे रख देंगे, और हमारे दोनों ईगल और जो ब्राउनी है हम उनको अभी यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और जो सारे पिजन है सारे पिजन हमें हमारे कॉकटेल रूम में शिफ्ट करने, मतलब कॉकटेल रूम कौन सा हो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यार। तो ये है दोस्त हमारा कॉकटेल रूम, जो कि यहाँ पे हमारे पिजन एक दिन के लिए रहने वाले सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ऊपर हमने ना यार जाली वगैरह भी लगे, तो यहाँ पे आराम से रहेंगे, तो मैं यही पे छोड़ देता हूँ यार, ठीक है। हाँ यार, हे बड़ी हेलो, तुमको पानी नहीं रखा यार, अच्छा पानी रख देना होगा हमारे कॉकटेल को, पानी नहीं रखा यार, इधर दो रख दिए अभी मॉर्निंग में मैंने पानी चेंज किया ना, मैं भूल गया, चल ले ले चल, चलो चलो ये लो पानी, पानी पी लो चलो। और हमारा एक कॉकटेल ऊपर शिफ्ट किया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे पिजन है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। चलो यार सबसे पहले हमें एक
खाली केज हमें नीचे लेके जाना होगा, मतलब ये ब्लैक वाला खाली यार, बट इसे मिट का लेगी यार, कौन सा लेके जाने का, डव का लेके जाने का क्या, यहाँ से मतलब सब शिफ्ट कर देंगे ठीक है, नहीं तो रुक केज में लेके जाएंगे यार, हाथ से शिफ्ट कर देंगे वहाँ पे, ईजी रहेगा वो सर, हाथ से शिफ्ट कर देते ईजी रहेगा वो। अभी हमारे भाई अंदर जा रहे हैं और ईगल और ब्राउनी को बाहर निकल लेंगे, आराम से निकल भाई, ईगल बहुत खतरनाक है। अरे नहीं भाई कुछ नहीं करता, डर क्यों रहा यार, मैं बता रहा हूँ ना कुछ नहीं करता, आराम से जा और आराम से आ ठीक है, नहीं तो ईगल डायरेक्ट भाई ना आँख नोच लेता है। ये देख कैसे आवाज़ निकल रहा, धीरे से पकड़ो उनको कंफर्टेबल से एकदम। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हमारे ईगल और ब्राउनी को छोड़ दिया, और देखो यार हमारी जो ब्लैकी है, ब्लैकी भी आराम से रह रही है, और स्नो स्नो तो कोई इशू नहीं यार, स्नो एकदम हमारा क्यूट है यार। चलो इनको भी लॉक कर देते हैं। चल भाई अभी तू ना क्या कर, बाहर आ और सारे पिजन ना पकड़ के हमारे पास दे, हम ना उधर शिफ्ट कर देते ठीक है, चल आजा जल्दी चल। होई लकी लकी, यहाँ पे एक अंडा दिया यार, यहाँ की चाबी लेके आता हूँ, रुक अभी तू जा आराम से। और वो जो अंडा है ना यार, दिखा दो किसका है मुझे देखने दे, अभी पता भी नहीं चलेगा यार किसका अंडा है यार। पिजन क्या कर रहे हैं यार, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया यार, कोई भी अंडे भी दिखा मेरे पास, दिखा दो यार। अबे यार किसका होगा यार, ये शायद से सिराजी का लग रहा है यार मुझे, वो सिराजी के डर में कितने अंडे, एक बार कैमरा घुमा देना वहाँ पे कितने अंडे, मुझे देखना है वो कैमरा, देखना वहाँ पे वो देखो कितने अंडे, तू क्या करना, कितने अंडे थे वहाँ पे, एक एक क्या, ओके। तो यार अभी ये जो अंडा है ना यार, इसका मैं क्या करूँ, यहाँ पे नीचे गिरा था यार ये, यार इसको ना क्रैक भी गया, देखो यार क्रैक गया है यहाँ पे, तो ये तो फर्टाइल नहीं होगा यार, इसको बाहर रखना होगा, यहाँ पे रख देता हूँ। अभी तू है ना सुन ना, वो एक एक पिजन मुझे पकड़ के दे, सिराजी दे सबसे पहले। तो ना दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना हम सारे पिजन है ना निकाल के मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। चल दे भाई मेरे पास, ओए कितनी भाई हाथ में भी नहीं आ रहा, रुक एक मिनट पकड़ के मैं कैमरा। यहाँ पे दोस्तों मैंने पाँच, एक हमारा सिराजी का एक पैर और कौन सा परपंच का एक पैर, और वो जो मेरा फेवरेट है बादामी कलर का, समदली कलर का, वो भी मैं यहाँ पे छोड़ दिया, तो अभी और पकड़ दे। चलो भाई तो मैं हमारे लकी पिजन भी लेके आया और बाकी के भी लेके आया, अभी सब फैंसी पिजन आ गए, और अभी मैं हमारे जो उड़ान वाले वो भी लेके आता हूँ भाई, डोर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बाहर आ जाएंगे यार पूरे घर घर में हमारे पिजन हो जाएंगे। पर ना पिजन पकड़ लेते फिर बाद में करेंगे सब साफ सफाई ठीक है। ये बीबी, अरे यार दिखा दिखा बे, वो यार इतना डैमेज कैसे हो गया यार ये, वो क्या करता हूँ ना मुर्गियों के इसमें रख देते थोड़ी देर के लिए बीबीज को। जाओ भाई यहाँ पे जा 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 जा, इनको मैं यहीं पे रख देता हूँ मुर्गियों के इसमें। अभी यहाँ के सब खाली हो गए ना, आ जा तू बाहर, अभी इधर का हमें साफ करना है। नहीं यार पहले सब पिजन निकल लेते फिर साफ करेंगे, आ जा तू बाहर, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी 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 जल्दी, आराम से जा, लग दिख जाएगा तुझे। ये मेरा छोटा भाई है, ऐसा हो थोड़ा, जा जा जा। वो देख अभी ना किंग का पकड़ा भाई सबसे पहले, गुस्सेल द डेजी फिश का गुस्सेल पकड़ेंगे भाई सबसे पहले। एक मिनट मुझे कैमरे में देखने दे कैसा गुस्सा करता है, पकड़ पकड़ ये देखो भाई। तो मैंने यहाँ पे हमारे सारे पिजन मैंने छोड़ दिए, ओ यार ओ हो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे यार ये, अभी यार सिर्फ 12 घंटे इनको यहाँ पे रहना है, फिर कलर वगैरह लग जाए तो भाई कोई टेंशन नहीं रहेगी ठीक है। हमारे सारे पिजन मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, अभी इनको मैं यहाँ पे दाना पानी कर देता हूँ, मतलब इनको कोई दिक्कत ना आए यार। अरे उनको पानी भी नहीं रख देते यार, टप कहाँ गए हो, टप 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 कहाँ, अरे स्वामी सुन ना वो निकालना, और एक किंग का बेबी है ना इधर आ, सब बेबी पिजन अपन है ना यहाँ पे रखेंगे, ये इसको दिखा मैं, ये बेबी को दिखा मेरे पास, अच्छे से पकड़ा, बहुत ज़्यादा शोर है को बेबी को ना भाई यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं यार हमारे ना सारे पिजन को ना एक अलग ही डिसीज हुआ है, मतलब सारे पिजन के जो बेबीज है, न्यूबॉर्न जो बेबीज है भाई, सबको ये डिसीज हुआ है। देखो भाई चोच को देखो यार, सारे पिजन को यार ट्रीटमेंट किया, बट ट्रीटमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा यार, बट ये थोड़ा अच्छा होगा ट्रीटमेंट करने से, मैंने किया इनका और इसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, मतलब अभी उनका खुद खुद खाने लगे तो ठीक है यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी पिजन्स की बेबीज की भाई। मैं इनको है ना थोड़ा बहुत छोड़ देता हूँ, क्योंकि इनको आदत है यार थोड़ी जंगली टाइप कबूतर है, तो जा भाई। ये देखो भाई ये अभी बाहर रहेंगे, दिन भर बाहर रहेंगे, शाम को आएंगे रिटर्न, दिखा ये क्योंकि ना उड़ान वाले यार, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं आती। जा भाई तू भी, अभी ऊपर नहीं बैठना यार। चल ठीक है उनको दाना पानी कर देते यार पहले, ओके।
मैं इनके लिए पानी भी रख देता हूँ क्योंकि ना यार इनको पानी डेली लगता है। चलो चलो उधर चलो 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 भाई, दाना भी देता आपको मैं। इनको ना मैं पानी रख देता हूँ यार, क्योंकि ना पानी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के लिए। चलो आवा आवा आवा, अबे वहां मत बैठो यार, हिंदी से बैठो ना यार, इतना अच्छा केज आ रही है। वाह 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 वाह, चलो 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 चलो, अभी पानी भी रख दिया, दाना इनको थोड़ी देर में दे देंगे। कॉकटेल बहुत ज्यादा शोर करता है यार, इसकी वजह से मैं उनको है ना बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ। बाहर ना थोड़ा बहुत आवाज उधर उधर जाएगा यार, क्योंकि यहाँ पे ना भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि भाई यहाँ के हमने जितने भी अंडे हैं मैंने सारे के सारे चेक किए, बट अंडे जितने भी भाई सब के सब मतलब ख़राब हो चुके हैं यार। ठीक है, आपको सिराजी जी का तो पता है यार, 3 अंडे थे हमारे वो भी ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना इसकी वजह से। और मैं केज में अभी ऐसे सेटिंग कर दी ना हमें ऊपर, मतलब ये जो वो पत्रा है ना भाई, ये ज़्यादा है ना ऐसा धूप से ज़्यादा गर्म ना हो, ऐसे हमें ऊपर शिफ्ट करनी, मतलब कुछ सेटिंग ये क्या गोंटी वगैरह बोलते हैं वो डाल देंगे, मतलब तरपाल वगैरह डाल देंगे, उनको ऐसा ठंडा हुआ रखेगा भाई, ऐसे हम कुछ आइडिया करने वाले ऊपर। ठीक है,